अच्छा बात करते हैं, हमारे पास, हमने लास्ट वीडियो में भी पैराग्राफ के टाइप पे बात की थी। अगर सपोज हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ है, मैंने वैसे ही डमी डाटा यहाँ पे डाला है, तो अगर हम ये इस पैराग्राफ को चलाते हैं, लिखा है हमने इसको फाइल को, हमारे पास जो है ना इस तरह एक पैराग्राफ है, और अगर हम इसको चलाते हैं, मैं सेव किया और मेरे पास ये फाइल पड़ी है, इसको रिफ्रेश किया, पहले मैंने इसको चलाया था तो मेरे पास इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसको चेंज करते हैं, मेरा 1 मिनट के लिए आपको। ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसको मैं हटाता हूँ, फॉर एग्जांपल कट किया, सेव किया, वापस गए और इसको मैंने चलाया, तो पैराग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें फर्दर डाटा डाल देते हैं दोबारा से वही, तो उसको कंट्रोल एस किया। और आपको एक चीज़ नोट करवानी, जो अगर आप करें तो ये पूरा पैराग्राफ इकट्ठे लिखा आ रहा है, इकट्ठे भर, हालांकि आप यहाँ देखें तो इसमें तो इस तरह से है। और सपोज़ मैं यहाँ पर चले एंटर भी कर देता हूँ, एक नहीं इतने सारे, इस तरह कर दिया, ऐसे करता हूँ और कंट्रोल एस किया, और अब मैं आके अपने पैराग्राफ में देखता हूँ तो फर्क नहीं आया उसमें। इसका क्या मतलब है कि अगर आप लाइंस छोड़ना चाहते हो तो इस तरह से आपको एंटर खाली दबाने से, 3 4 बार प्रेस करने से कुछ चीज़ कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, हमारे पास कोई भी टैग होगा इसके लिए, हमारे पास एक टैग होता है ब्रेक लाइन का, BR का ब्रेक लाइन का टैग। ये इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने ब्रेक लाइन लगाया है, प्रिंटिंग के बाद जो आगे लिखा होगा वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। देख लेते हैं, कंट्रोल एस किया और आके मैंने देखा अपने प्रिंटिंग के बाद ब्रेक लाइन नेक्स्ट लाइन पे आ गया। एंटर दबाने से नहीं हुआ, ब्रेक लाइन का टैग लगाने से हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रेक लाइन को अपने को चीज़ भी नोट कर ली होगी, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ब्रेक लाइन्स लगाए, और आपने नोट कर लिया होगा मैंने ब्रेक लाइन को क्लोज नहीं किया, मीन्स कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये बेसिकली ब्रेक लाइन ओपन होता है, खुद ही क्लोज भी हो जाता है, तो ये मैंने 7 डिफरेंट ब्रेक लाइन्स लगा दी है। सेव किया और यहाँ आके देखें, इतनी लाइनें छोड़ के वापस आया, और इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये बहुत ज़्यादा है, 3 यहाँ किए, 3 यहाँ किए, 3 मैंने यहाँ कर दिए, और सपोज मैंने 3 यहाँ कर दिए। तो चलाते हैं, मेरे पास कुछ इस तरह से, मैं जैसे सेट करना चाह रहा था, ये इतनी लाइंस ने क्यों छोड़ी हैं, बिकॉज ऑफ जो है ना ब्रेक लाइन। वापस आते हैं, सबको मिटाते हैं, ये 2 ब्रेक लाइन मैंने यहाँ कॉपी किए, पहले भी देख लेता हूँ कि अभी हो क्या रहा है इसमें, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री के बाद मैं 2 लाइंस छोड़ूँ। वापस आता हूँ, इंडस्ट्री के बाद मैं 2 लाइंस 2 ब्रेक लाइन लगा दिए, वापस आके देखते हैं तो कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। एक और लाइन छोड़ना चाहता हूँ तो वापस जाता हूँ और एक और ब्रेक लाइन यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एस किया, वापस आए तो मेरे पास ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमने हमने इस वीडियो में क्या किया, हमने देखा है कि हमारे पास पैराग्राफ का टैग कैसे काम करता है, और पैराग्राफ के टैग के अंदर अगर आप लाइंस छोड़ना चाहते हो तो आप ब्रेक लाइन का जो है ना टैग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो।